بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين। रियादु सालिहीन में से हम जिस बाब का मुताला कर रहे हैं उसका उन्वान है मुसलमानों की हुर्मतों की ताज़ीम करना, उनके हुकूक़ का बयान और उन पर शफ़क़त और रहमत का मामला करना। पहली रिवायत जो आज हमें पढ़नी है इसके रावी सैयदना अबू हुरैरा है रज़ी अल्लाह ताला अन, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, आपस में एक दूसरे के साथ हसद न करो। हसद के माना ये होते हैं कि हम किसी इंसान में कोई नेमत देखें, चाहे वो दुनियावी लिहाज से हो, चाहे वो अखलाकी और रूहानी हवाले से हो, और हम ये तमन्ना करें, ये आर्ज़ू करें कि ये नेमत उससे जाती रहे, ये नेमत उससे छिन जाए। कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, और कुछ लोगों का रवैया ये होता है कि भाई चाहे मुझे मिले या ना मिले लेकिन इस आदमी से ज़ायल हो जाए, इस आदमी से जाती रहे। तो ज़ाहिरी बात है कि ये बहुत ही घटिया तबीयत, बहुत ही पस्त रहनीयत की अक्कासी करती है। और दुनिया के हवाले से जब भी हम दुनिया पर फोकस करेंगे, दुनिया ही को सामने रखेंगे, तो हसद से बचना तकरीबन नामुमकिन है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने लिखा है इह्या में कि दुनिया ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसी जगह है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक क्लोज सिस्टम है। यहाँ पर पैसा किसी की जेब से निकलता है तो हमारी जेब में आता है। यहाँ ज़ाहिरी बात है कि दुकानदार हैं, बैठे हैं बाज़ार में, और जो ख़रीदने वाले हैं वो लिमिटेड हैं। अब ज़ाहिरी बात है कि या तो वो आपकी दुकान से माल ख़रीदेगा या दूसरे की दुकान से माल ख़रीदेगा, तो ज़ाहिरी बात है एक कंपटीशन पैदा हो जाता है। तो दुनिया कंपटीशन के उसूल पे चलती है। कहीं पर भी आप चले जाएं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आप कहीं किसी ओहदे और मनसब के लिए कम्पीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ कोई ना कोई कंपेटिटर्स हैं आपके। और ज़ाहिरी बात है यहाँ विन विन सिचुएशन नहीं होती, या तो यहाँ विनर है या लूज़र है। तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अगर इंसान आखरत पर फोकस करे, अगर इंसान अल्लाह ताला के क़ुर्ब को अपना टारगेट बनाए, तो वहाँ हसद का कोई इम्कान नहीं। वहाँ ज़ाहिरी बात है कि दुनिया में तो ये है कि या तो मैं पाऊँगा या ये पाएगा, लेकिन आखरत में अल्लाह ताला की जो रहमत है वो बेपाया है। उसकी जो जन्नत है जिसके बारे में फरमाया कि उसका तूल अर्ज़ ज़मीन व आसमान से भी ज़्यादा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर। तो आखरत पर जब आप फोकस करेंगे, दीनी फ़ज़ाइल और अखलाक पर फोकस करेंगे, तो वहाँ फिर मुमकिन है कि हम हसद से बच सकें। लेकिन जितना हमारा फोकस इस दुनिया पर होगा उतना ही हम हसद में मुब्तला होते रहेंगे। और ये भी हसद है, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि आदमी ये चाहे कि अगर कोई आदमी किसी फजीलत पर है, किसी मकाम पर है, ये आदमी इससे आगे ना बढ़े, बस ये यहीं पर रुक जाए, ज़ाहिबा, तो ये भी हसद है। अगरचे वहाँ पर ये हम नहीं कह रहे कि ये नेमत इससे छिन जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस ये यहीं पर रुक जाए और मैं इससे आगे निकल जाऊँ, मैं इससे अगले मरतबे पर पहुँच जाऊँ, तो ये भी हसद है। और ज़ाहिरी बात है कि ये नापसंदीदा है। एक रिवायत के मुताबिक ये एक ऐसा फसाद है, ऐसी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को घुन की तरह खा जाती। एक रिवायत में अल्फाज बयान होते हैं ना कि इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा तकुलुन नार अलहतब, के हसद नेकियों को, फ़ज़ाइल को ऐसे खा जाता है कि जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती। तो जिस आदमी के अंदर ये हसद के जज्बात पैदा होंगे, एक तो वह हर वक्त कुड़ता रहेगा, फिर दूसरी बात यह कि इससे आगे बढ़कर फिर उस आदमी को जिसके साथ वो हसद कर रहा है उसको डीफेम करने की कोशिश करेगा, उसकी गीबत करेगा, उस पर तोहमतें लगाएगा, और अगर ये हसद की आग बहुत ज़्यादा भड़कने लगे तो उसको फिज़िकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा, उसके माल को तल्फ करने की कोशिश करेगा। और हासिद के बारे में ये बात कही जाती है कि हसद इतना बड़ा गुनाह है
कि गोया जो हासिद होता है वो मोतरिज अल्लाह होता है, वो असल में अल्लाह ताला पर एतराज़ करता है। ये तकसीम तो अल्लाह की है ना, अल्लाह ने किसी को अच्छी शक्ल सूरत दी है, अल्लाह ने किसी को माल ज़्यादा दिया है, अल्लाह ने किसी को दुनियावी मनसब पर बिठाया है। अब हम अगर ये कहते हैं कि ये आदमी यहाँ से हट जाए और मैं उसकी जगह बैठ जाऊँ, तो गोया ये अल्लाह ताला की तकसीम पर जो है वो हसद किया जा रहा है। और अगर आप देखिए कि जो पहला सबसे पहला गुनाह जो किया गया, जिसके बारे में कहा जाता है, यानी इबलीस का गुनाह क्या था, इबलीस का जो गुनाह था उसमें एक तो मुकाबरत थी, तकब्बुर का पहलू था, दूसरा यही हसद का पहलू था कि भाई इसको खिलाफत फिल अर्ज़ क्यों मिल गई। उसने यही कहा था अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा की। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखातबीन थे अव्वलीन, उनके यहाँ भी जो लोग खायब व खासिर हुए, नाकाम व नामुराद हुए, कुफ्र और शिर्क और खजलान का शिकार हुए, उनके यहाँ भी सबसे बड़ा मसला हसद ही था। यहूद का मामला यही था, उनका ये ख्याल था कि अभी तक नबूवत और रिसालत जो है वो हमारी नस्ल में आई है, तो जो आखिरी नबी हैं, नबी आखिरुज़्ज़मान जो हैं, वो भी हमारी नस्ल में होंगे। लेकिन जब अल्लाह ताला ने चुन लिया, इस्तफा कर लिया, इश्तबा कर लिया बनी इस्माइल का, और नबी आखिरुज़्ज़मान उनमें आ गए, तो उन्होंने हसद किया और उसके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया। मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे उनका भी सबसे बड़ा मसला हसद ही था, कि उन्होंने यही कहा था कि अगर हम इनको मान लें, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अल्लाह का रसूल मान लें, तो हम तो ज़ाहिरी बात है उनकी उम्मती हो जाएंगे, जबकि हमारे यहाँ कबाइल में आपस में कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, तो हम तो गोया बिल्कुल सारी ज़िंदगी के लिए इनके मातहत हो जाएंगे। तो वो जो असबियत थी कबाइली और उसकी बुनियाद पर जो हसद उनके अंदर पैदा हुआ, तो इतने बड़े खैर से वो महरूम रह गए। तो यहाँ पर फरमाया गया कि देखो आपस में एक दूसरे के साथ हसद न करो, क्योंकि हसद इंसान की नेकियों को, फजाइल को बिल्कुल फना कर देता है, खा जाता है। फिर फरमाया वला तनाजशु, तनाजुश न करो। नजश कहते हैं कि जिस तरह बोली दी जाती है, कोई चीज़ बेची जा रही है, लोग बोली देकर ख़रीद रहे हैं, तो एक तो जेन्युइन बोली होती है कि ओपन कंपटीशन है और लोग बोलियां दे रहे हैं, जो ज़्यादा बोली देता है उसको माल मिल जाता है। लेकिन तनाजुश क्या है कि इसमें धोखा दही का एलिमेंट है, इसमें नुकसान पहुंचाने की नीयत, यानी क्या नीयत है कि या तो आप बोली लगा रहे हैं और माल खरीदने की आपकी नीयत नहीं है, इरादा नहीं है। आपको मालूम है कि आपके साथ एक आदमी है मार्केट का, उसको ये माल चाहिए, उसको ये माल दरकार है, आपको वो चाहिए नहीं, और आप चाहते हैं कि इसको महंगा मिले, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए आप जो है बोली बढ़ाते हैं मस्नूई तौर पर, ताकि जिसने ख़रीदना है जेन्युइनली उसको तो बादल ख़रीदना ही है, तो उसको महंगा मिले और उसको नुकसान हो। या इसके बरक्स भी होता है कि जो बेचने वाला है उसको फ़ायदा पहुंचाना मकसूद है कि भाई इस चीज़ का भाव बढ़े मसनूई तौर पर, और आम तौर पर ज़्यादातर बोलियों में जो बेचने वाले होते हैं उन्होंने अपने बंदे बिठाए होते हैं जो मसनूई तौर पर बोली को बढ़ाते हैं। तो ये नजश है कि मसनूई तौर पर बोली को बढ़ाना जिसमें ख़रीदने की नीयत नहीं है, या तो किसी ख़रीदने वाले को नुकसान पहुंचाना या फिर जो बेचने वाला है उसको अनड्यू फ़ायदा पहुंचाना। तो कहा कि वला तनाजशु, ख़रीद फरोख्त में और बोली के मामले में इस तरह के धोखे और फ्रॉड से बचो। वला तबाग़ज़ू, और देखो आपस में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ न रखो, एक दूसरे के साथ नफ़रत का मामला न करो। एक तो नफ़रत ज़ाहिर बात है कि एक तबीयी चीज़ है ना, उस पर इंसान का इख्तियार नहीं होता, मोहब्बत पर और नफ़रत पर बाज़ औक़ात इख्तियार नहीं होता। एक तो इसका मतलब ये है कि असबाब बुग़्ज़ से बचो, उन कामों से बचो, उन मामलात से बचो जो आपस में एक दूसरे के बुग़्ज़ का बाइस बनते हैं। जिस तरह सूरह हुजरात में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं कि जो बुग़्ज़ का बाइस बनती हैं, मसलन एक दूसरे के हिकारत के नाम रखना, एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे के मामलात की टोह लगाना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इससे आपस में दिलों में नफ़रत पैदा होती। तो एक तो ये फरमाया कि उन असबाब से बचो जो तुम्हारे दरमियान आपस में बुग़्ज़ पैदा करें, और वैसे भी ज़ाहिरी बात है कि बुग़्ज़ और कीना रखना किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की जनाब में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं हर पीर के दिन और हर जुमेरात के दिन,
इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। तो जब आपसे पूछा गया कि आप पीर और जुमेरात का रोज़ा बहुत कसरत से रखते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो दिनों में बंदों के आमाल अल्लाह की जनाब में पेश होते हैं। तो मुझे ये बात पसंद है कि जब मेरे आमाल अल्लाह की जनाब में पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो दिनों में आमाल पेश होते हैं और हर वो बंदा जो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता, किसी को शरीक नहीं ठहराता, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, उसको माफ़ कर दिया जाता है, उसके लिए मग़फ़िरत का परवाना जारी कर दिया जाता है, सिवाय उन दो लोगों के कि जिसके और उसके भाई के दरमियान आपस में बुग़्ज़ है, कीना है। दो लोग हैं जिनके दिलों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कीना है, मुशरिक वो नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उनके लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला सस्पेंड कर दिया जाता है। और अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं इनको ज़रा मोहलत दो, इनको मौका दो, यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लें, आपस में अपनी शकर रंजी को, दुश्मनी को, बुग्ज को दूर कर लें। और जब तक ये दुश्मनी की हालत में है, कीने की हालत में है, उस वक्त तक इनके लिए रहमत का परवाना जारी नहीं होगा। और एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आपस का बुग्ज है ये उस तरह की मानिंद है जिस तरह उस्तरा होता है वो बालों को मूंढ देता है, बालों को शेव कर देता है। तो आपने फरमाया कि ये भी एक उस्तरा है लेकिन ये बालों को नहीं मूंढता, ये इंसान के दीन को मूंढ देता है। तो फरमाया कि आपस में एक दूसरे के साथ नफरत ना रखो, कीना ना रखो। हाँ, अल्लाह ताला के लिए किसी से नफरत करना वो एक अलग बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तक़बल ईमान। जिसने मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए की, किसी से बुग्ज़ रखा तो अल्लाह के लिए रखा, किसी को कुछ दिया तो अल्लाह के लिए दिया, किसी से कुछ रोका तो अल्लाह के लिए रोका, तो उसने अपने ईमान की तकमील कर ली। अगर मामला दीनी है अल्लाह के लिए फिर तो बुग्ज़ जायज़ है, लेकिन ज़ाती मामलात में एक दूसरे से बुग्ज़ रखना, नफ़रतों को पालना, उसको ग्रो करना, ये इससे मना किया गया। फरमाया कि वला तबाग़ज़ू, आपस में एक दूसरे के साथ बुग्ज़ का, दुश्मनी का, नफ़रत का मामला न करो। वला तदाबरो, और देखो एक दूसरे को पीठ न दिखाओ, एक दूसरे से मुंह न मोड़ो। पीछे हमने रिवायतों में पढ़ा है कि मुसलमान का हिजरान बहुत बड़ा गुनाह है, मुसलमान से तर्क ताल्लुक कर लेना बगैर किसी सबब के। तो इस दफ़ा मैंने कहा वला तकाताओ, आपस में एक दूसरे से ताल्लुकात को मुनकता न करो। तो पीठ ना दिखाओ एक दूसरे को, ऐसा मौका कि जब तुम्हारा भाई तुमसे तवक्को रखता है कि तुम उसके साथ हुस्न सुलूक करोगे, तुम उसको बचाओगे, तुम उसको दुश्मन के ज़र से, उसकी जो है तरफ से जो तकलीफ़ आ रही है उससे रेस्क्यू करोगे, ऐसे मौके पे अगर तुम पीठ दिखा दोगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो फरमाया कि वला तदाबरो, आपस में एक दूसरे को पीठ ना दिखाओ। वला यबि बअदुकुम अला बैइ बअज़, और तुम में से कोई किसी की बै पर बै न करे, किसी के सौदे पर सौदा न करे। यानी जाहिर बात है कि एक मामला वो होता है कि जब बिड्स की जाती हैं और तलब किया जाता है कि सब लोग अपनी अपनी ऑफ़र कर लें, उस वक्त तक तो ठीक है, सब लोगों के लिए ओपन है कि वो ऑफ़र करें, लेकिन जब कोई सौदा क्लोज़ हो जाए, डील क्लोज़ हो जाए, उसके बाद जाकर ऑफ़र करना कि भाई हम ये चीज़ आपको इससे कम प्राइस पर फराहम कर देंगे, ठीक है, या इससे बेहतर चीज़ हम आपको फराहम कर देंगे, ये क्या है, सौदे पे सौदा करना। एक सौदा मुकम्मल हो चुका, कंप्लीट हो चुका, डील मुकम्मल हो गई, इसके बाद जाकर वहाँ कोई अच्छी ऑफ़र देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये ना करो। इसी से मिलती उलती बात आपने फरमाई है कि खितबा पर खितबा ना करो। खितबा कहते हैं निकाह का पैगाम, मंगनी जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है। एक जगह कहीं नस्बत तय हो चुकी है और मामला हो चुका है कि फला लड़का और लड़की उनके दरमियान जो है वो शादी होने वाली है और निस्बत तय हो चुकी है, उस मौके पे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के रिश्ते पे रिश्ता ना दो। अगर रिश्ता मुकम्मल हो चुका, क्लोज़ हो चुका, निस्बत तय हो चुकी, तो उस पर पैगाम ना भिजवाओ, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वही हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ये आपस में बुग़्ज़ का बायस बनती हैं, इससे दिल फटते हैं आपस में। तो यहाँ फरमाया कि तुम में से कोई किसी की बै पे बै न करे। वकूनु इबादुल्लाह इख्वाना, और तुम सारे के सारे अल्लाह के बंदे बन जाओ, आपस में भाई भाई बन जाओ। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु, वो उस पर ज़ुल्म नहीं करता, ज़्यादती नहीं करता। ये रिवायत हमने पिछली मरतबा भी ये टुकड़ा पढ़ा था,
वला यहकिरुहु, और देखो अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर ना जानो, घटिया ना समझो। इसी रिवायत में आगे फरमाया बिहस्ब इम्रिइन मिन शर्रि अन यहकिरा अखाहुल मुस्लिम, किसी आदमी के शर के लिए ये काफ़ी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर जाने, घटिया जाने, जलील जाने। और यही असल में तकब्बुर है, यही मुकाबरत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात फरमाई कि मुतकब्बिर आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, आपने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में राई के ज़र्रे के बराबर भी तकब्बुर है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो एक साहिब हाजिर हुए और अर्ज़ किया अल्लाह के नबी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जूता बहुत खूबसूरत हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे कपड़े बहुत उम्दा हों, तो क्या ये एरोगेंस नहीं है, क्या ये तकब्बुर तो नहीं है? तो आपने फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, ये तो एक जमालियाती हिस्स है तुम्हारे अंदर, एक एस्थेटिकल सेंस है तुम्हारे अंदर, अल्लाह ताला खुद जमील हैं और जमाल से मोहब्बत करते हैं। तकब्बुर क्या है? फिर आपने फरमाया तकब्बुर ये है बतरुल हक व गमतुन नास, हक के आगे अकड़ना और लोगों को हकीर समझना, लोगों को जलील समझना। अब ज़ाहिरी बात है, एक होता है कि आप एक हायरार्की में हैं, एक इदारा है, उसमें कोई ऊंचा अफसर है, कोई कमतर अफसर है, कोई इल्म है, कोई आदमी उसमें मुब्तदी है, कोई आदमी उसमें मुंतही है। इस लिहाज से अगर कोई आदमी ये समझे कि फ़लाँ स्किल जो है मुझे इससे बेहतर आती है या फ़लाँ इल्म में मैं इससे आगे बढ़ा हुआ हूँ, ये इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन शरफ़ इंसानियत में किसी को घटिया समझना, किसी को कमतर समझना, इस तरह हमारे यहाँ होता भी है कि मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं, ये बरादरी ऊँची है, दूसरी बरादरी नीची है, मुख्तलिफ पेशे हैं, पेशों की बुनियाद पर किसी को हकीर समझना, किसी को अदना समझना, किसी को आला समझना। तो ये वो चीज़ है जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं, और फरमा रहे हैं किसी आदमी के बुरे होने के लिए ये काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। और फिर फरमाया अत्तक्वा हा होना व युशीरु इला सदरिही सलासा मरात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवा यहाँ होता है, तीन मरतबा आपने सीने मुबारक की तरफ इशारा किया, अत्तकवा हा होना, अत्तकवा हा होना, अत्तकवा हा होना, तकवा यहाँ होता है, तकवा दिल में होता। तो तकवा किसे कहते हैं? खुदा खौफी को, आखरत में अल्लाह ताला के अजाब से, अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचना, उससे डरना, और उसकी बुनियाद पर दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करना और परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार करना। तो फरमाया कि तकवा का महल जो है वो इंसान का दिल है, वो इंसान का बातिन। तकवा ज़ाहिरी बात है आमाल से ज़ाहिर होता है, लेकिन उसकी बुनियाद इंसान के दिल में है। खुद कुरान मजीद में ये बात फरमाई कि जो कोई भी अल्लाह ताला के शायर की ताज़ीम करता है फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये दिलों के तकवा में से है। सहाबा किराम के बारे में फरमाया कि वो लोग के जो अपनी आवाज़ों को नबी के सामने पस्त रखते हैं, उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक्वा, अल्लाह ताला ने उनके दिलों की जांच कर ली है तकवा के लिए, उनको अल्लाह ताला ने देख लिया, इनके दिल इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला उनको तकवा अर्ज़ानी फरमाए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल सूरतों को नहीं देखता और अल्लाह ताला तुम्हारे माल को नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला देखता है कि तुम्हारे दिलों की हालत क्या है, तुम्हारे दिलों की कैफियत क्या है, और वो तुम्हारे आमाल को देखता। और वो रिवायत हम पढ़ चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर उसमें सुधार पैदा हो जाए तो पूरा वजूद सुधर जाता है, और अगर उसके अंदर फसाद बरपा हो जाए तो पूरे वजूद में फसाद बरपा हो जाता है। फरमाया अला वही अल-क़ल्ब, आगाह हो जाओ कि वो दिल है। तो फरमाया कि तकवा दिल में होता है, तकवा का महल जो है वो दिल है। और फिर फरमाया कुल्लुल मुस्लिमी अल मुस्लिमी हरामुन, ये हिस्सा हम पहले पढ़ चुके हैं कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है, दमुहु व मालुहु व इर्दुहु, उसका खून यानी उसकी जान भी हराम है, व मालुहु उसका माल भी हराम है, व इर्दुहु और उसकी इज्जत और आबरू भी हराम है। तो फिर इस रिवायत का तर्जुमा सुन लेते हैं। फरमाया कि देखो आपस में एक दूसरे के साथ हसद न करो, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए बोली न बढ़ाओ, आपस में एक दूसरे के साथ बुग्ज न रखो, एक दूसरे को पीठ न दिखाओ, तुम में से कोई किसी की बोली पर बोली न दे, और अल्लाह के बंदे बन जाओ, आपस में भाई भाई बन जाओ, मुसलमान मुसलमान का भाई है,
वो उस पर जुल्म नहीं करता, वो उसके साथ हकारत का मामला नहीं करता, वो उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। और फरमाया कि तकवा तो यहाँ होता है। तीन मरतबा आपने अपने सीने की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया किसी आदमी के बुरे होने के लिए काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर जाने। तमाम मुसलमान दूसरे मुसलमानों पर हराम हैं, उनका खून भी हराम है, उनका माल भी हराम है और उनकी आबरू भी हराम है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।